मन पर टेंशन नहीं लेना चाहिए, ये बात कई जगह पर मैंने पढ़ी और सुनी है। परंतु मुझे ऐसे लगता है कि मन पर टेंशन लिया जाए तो ही इंसान तरक्की कर सकता है। इस विषय में आपकी क्या राय? क्रिकेट की दुनिया के लिए ऐसा कहा जाता है कि जीत यदि जल्दी हासिल हो सकती हो तो अनावश्यक धीमा खेल खेलकर जीत को आखिरी ओवर तक नहीं खींच जाना चाहिए। मुमकिन है कि बीच में ही विकेट गिर जाए और जीत की बाजी हार में पलट जाए। यही बात हमें जीवन के विषय में समझ लेनी है। सहजता से तनिक भी तनाव के बगैर ही यदि कार्य संपन्न हो जाते हो तो कर लेना, वरन कार्यों को विलंबित रखकर मन पर टेंशन रखकर कार्यों को निपटाने में संभव है कि कार्य तो अधूरे छूट जाए और मन भी उदासी का शिकार हो जाए। एक आश्चर्यजनक वास्तविकता की ओर तुम्हारा ध्यान केंद्रित करो। मैच का आखिरी एक ओवर बचा है और जीत के लिए 20 रन करने, इसे कहते हैं टेंशन। 5 ही गेंद बची और जीत के लिए 18 रन चाहिए, इसका नाम है फ्रस्ट्रेशन। 3 ही गेंद बची और जीत के लिए 16 रन चाहिए, इसे कहते हैं इरिटेशन। 1 ही गेंद बची और जीत के लिए 7 रन करने हैं, इसे कहते हैं डिप्रेशन। तुम लिखते हो कि मन पर टेंशन होता है तो ही इंसान तरक्की कर सकता है। मैं कहता हूँ अपेक्षित तरक्की नहीं होती तब टेंशन फ्रस्ट्रेशन में परिवर्तित हो जाता है। उसका क्या? फ्रस्ट्रेशन से निजात पा लेने की शक्ति नहीं बचती तब फ्रस्ट्रेशन इंसान की इरिटेशन में खींच जाती है। इसका क्या? और इरिटेशन के शिकार बन जाने वाला इंसान उससे मुक्त होने की संपूर्ण आशा गवा देकर डिप्रेशन से ग्रस्त हो जाता है। इसका क्या? एक बात पर तुमने गौर किया है, शायद कोई गरीब आदमी डिप्रेशन का शिकार नहीं बनता तो कोई निरक्षर मनुष्य भी डिप्रेशन का शिकार नहीं बनता। डिप्रेशन का शिकार या तो अमीर बनता है और या तो शिक्षित बनता है। कारण यही, उसकी आंखों के समक्ष वर्तमान नहीं होता, भविष्य ही होता है। खुद के पास जो है उसकी उसे मन में फेरिस तो नहीं होती, जो नहीं है उसी की मन में फेरिस होती है। वह अपेक्षा अथवा आकांक्षा में ही नहीं रमता, महत्वाकांक्षा में ही मशगूल होता है। उसे संपत्ति से भी ज़्यादा सामर्थ्य में रुचि होती है। उसे बैठने से ज़्यादा चलने में, चलने से ज़्यादा दौड़ने में, दौड़ने से ज़्यादा उड़ने में रुचि होती है। उसे हल्केपन से ज़्यादा तनाव अनुकूल होता है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि उसके पास सकारात्मक मनोवृत्ति का वैभव नहीं होता बल्कि नकारात्मक मनोवृत्ति की दरिद्रता होती है। अंकित कर लेना दिल की दीवार पर कि एक और एक टन मिट्टी और दूसरी और एक ही तोला सोना, उनमें सोने का मूल्य यदि बढ़ जाता है तो एक और संपत्ति, सत्ता, सफलता, सौंदर्य और स्वास्थ्य के सभी सुख, और दूसरी और सकारात्मक मनोवृत्ति का एक ही सुख, उनमें सकारात्मक मनोवृत्ति के एक ही सुख का मूल्य अनेक गुना बढ़ जाता है। उसी तरह एक और 5 करोड़ की हानि और दूसरी और कैंसर, उनमें कैंसर की वेदना ही यदि ज़्यादा पीड़ादायक बनी रहती है तो एक और सत्ता, संपत्ति, सफलता, सौंदर्य और स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में ही हो रही हानि का दुख और दूसरी और नकारात्मक मनोवृत्ति का एक ही दुख, उनमें नकारात्मक मनोवृत्ति का एक ही दुख अत्यधिक पीड़ादायक बन रहता है। इसका अर्थ यही कि टेंशन नकारात्मक मनोवृत्ति के निकट होते हैं जबकि हल्कापन सकारात्मक मनोवृत्ति के निकट होते हैं। नकारात्मक मनोवृत्ति की उपस्थिति में इंसान निराशा के निकट होता है जबकि सकारात्मक मनोवृत्ति के उपस्थिति में इंसान चित्त स्वस्थता के निकट होता है। नकारात्मक मनोवृत्ति मन को कमजोर की कल्पना में रखती है जबकि सकारात्मक मनोवृत्ति मन को उज्ज्वल भावी की कल्पना में मशगूल रखती है। क्या लिखूँ तुम्हें? तुम्हारे पास आँखें भी हैं और कान भी हैं, तुम अच्छा देख भी सकते हो और ठीक से सुन भी सकते हो। संपत्ति के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर पहुंच जाने में सफल होने वालों के अंदरूनी जीवन पर तुम दृष्टि डालकर देखना। सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाने में सफल होने वालों के चित्कारों का तुम किसी की जुबानी सुन लेना। तुम्हारे पास यदि दृष्टि होगी तो तुम्हें प्रभु से प्रार्थना करने की इच्छा हो जाएगी कि प्रभु ऐसी संपत्ति और ऐसी सफलता से तुम मुझे हमेशा दूर ही रखना। पुनित, मन पर टेंशन हो तो ही इंसान तरक्की कर सकता है। तुम्हारी ये मान्यता फर्ज करो सच्ची हो तो भी उसका क्षेत्र अलग है। अशांति के रास्ते पर उसके कदमों की गति तेज हो जाती है, निराशा के मार्ग पर उसका मन भागता रहता है, जीवन को खत्म कर देने की डगर पर उसका चित्त दृढ़ता से कुछ करता रहता है। मेरे इस कथन में यदि तुम्हें अतिशयोक्ति का भास होता हो तो वर्तमान विश्व के बीमार जगत को तुम देख लो। तन के रोगों की संख्या यदि 50 की है तो मन के रोगियों की संख्या 90 की। तन के रोगी दवाई के पीछे यदि 5 रुपये खर्च करते तो मन के रोगी दवाई के पीछे 50 रुपये खर्च करते।
अनियंत्रित आहार शैली से तन को खराब करने वाले यदि 45 व्यक्ति है तो तनावपूर्ण विचार शैली से तन को खराब करने वाले 55 व्यक्ति है। नहीं, टेंशन स्वस्थ जीवन का पर्याय कतई नहीं बन सकता, प्रसन्न मन का कारण कतई नहीं बन सकता, उज्ज्वल भावी का बीज कतई नहीं बन सकता। गौरतलब है कि परिवर्तन इस जगत का शाश्वत सत्य है। हथेली से नीचे जमीन पर गिरने वाला पानी कैसा आकार धारण करेगा, इस विषय में जैसी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उस वैसे ही आने वाले अगले ही क्षण में जगत में या जीवन में, हृदय में या मन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, इस विषय में भी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसका मतलब परिवर्तन की चुनौती तो हमें सतत स्वीकारते ही रहना है। जिस तरह बल्लेबाज गेंदबाज की ओर से डाले जाने वाले प्रत्येक गेंद के परिवर्तन को ललकारता है, उसी तरह बल्लेबाज सजग अवस्थ अवश्य रहता है पर तनाव में नहीं रहता। वैसे परिवर्तन के लिए अथवा परिवर्तन के विरुद्ध हमें सजग अवश्य रहना है पर तनाव में तो कतई नहीं रहना है। अंतिम बात, मोटापा से त्रस्त ग्रस्त तन रोगों को घर बनता है या नहीं उसमें संदेह है, किंतु उदास मन तनावग्रस्त मन तो दोषों का घर बनता ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।